कोरोना काल के दौरान चंबा के निजी स्कूलों को पेश आ रही समस्याओं को लेकर चंबा जिला प्राइवेट एफिलेटेड स्कूल एसोसिएशन का एक दल उपायुक्त चंबा और शिक्षा उपनिदेशक चंबा से मिला। इस बारे जानकारी देते हुए जिला प्राइवेट एफिलेटेड स्कूल एसोसिएशन के प्रधान सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि सभी निजी विद्यालयों का अपना अपना स्तर है और सुविधाओं के हिसाब से ही फीस का मापदंड तय करते हैं और ऐसे में फीस को लेकर सवाल उठाना सरासर गलत है। वहीं इस दौरान उन्होंने कोरोना के दौरान बिना स्थानांतरण प्रमाण पत्र छात्रों के दूसरे स्कूलों में प्रवेश के कारण स्कूलों को हुए घाटे, कोरोना के कारण स्कूलों को हुए वित्तीय घाटे की समस्या को भी प्रशासन के सामने उठाया गया। आज चंबा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से आज हम लोग जिलाधीश महोदय से मिले और साथ में डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन और डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा गया और ये ज्ञापन सौंपा हमने महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश और हमारे मुख्यमंत्री साहब को, ताकि जो स्कूल में जितनी समस्याएं चल रही हैं और जो समस्याएं अभी कोविड-19 के चलते आई है, उन समस्याओं से सरकार को अवगत करवाने के लिए ये ज्ञापन दिया है। जैसे समस्याओं की बात करें तो हमारे सामने जो समस्याएं रही है वो है ट्रांसपोर्टेशन का टैक्सेस को लेकर। गाड़ियां खड़ी रही पूरे साल भर और ना कोई गाड़ियों की हलचल हो पाई और ना कोई उसके रिलेटेड हमने कोई फीस कलेक्ट की है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है सरकार से कि टैक्सेस को माफ़ किया जाए ताकि प्राइवेट स्कूल के ऊपर जो है टैक्सेस का बोझ ना पड़े। और एक हमारी डिमांड रही है इस ज्ञापन के माध्यम से कि सरकार कुछ चीज़ों पर और गौर करे, जैसा कि फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट होता है वो 2 साल का मिलता है, सरकार उसको उसकी ड्यूरेशन जो बढ़ा दे, और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जो है 1 साल का मिलता है, सेफ्टी सर्टिफिकेट मिलता है 1 साल का, तो सरकार उसको 2 या 5 साल यानी कि बिल्डिंग को देखकर कुछ ड्यूरेशन जो है वो बढ़ा दे। इन मुद्दों पर सरकार जरूर गौर करे और साथ में हम भी चाहते हैं, जैसा कि अभी देखा होगा आपने कि कोविड के चलते बहुत सारी और भी समस्याएँ रही है, फीस को लेकर भी रही है, तो ये चीज़ें तभी हुई है जब सरकार की तरफ से कुछ ढुलमुल रवैया रहा है। हम चाहते हैं सरकार फीसेस के ऊपर भी रेगुलेटरी लेकर आए ताकि अभिभावक के ऊपर भी बोझ ना पड़े और प्राइवेट स्कूल जो सेल्फ फाइनेंस्ड होते हैं, कोई सरकार से अनुदान नहीं लेते हैं, किसी भी तरह की सरकारी सहायता नहीं मिलती है, तो जो सेल्फ फाइनेंस्ड है उनको फंड्स इकट्ठे करके, फीसेस इकट्ठी करके ही काम चलाना पड़ता है। तो सरकार उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर भी थोड़ा गौर करे, बस यही चीज़ें आज डिस्कशन हुई है। और हम पूरी उम्मीद के साथ ये कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में सरकार जरूर गौर करेगी इन चीज़ों पर, अभिभावकों को भी एक तरफ संतुष्ट करेगी और स्कूलों को भी एक अपने प्रॉपर काम करने के लिए जो है वो एक सिस्टम बना देगी, ताकि एजुकेशन का स्तर जो है वो ऊपर उठाने के लिए हमें भी अच्छे लेवल से जो प्रयास हैं वो करने होंगे।